ट्रैक पे, इसी ट्रैक पे ट्रेन आने जा रही है और यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है। वो सो हे गाइज, मैं आपकी होस्ट नुपुर एंड वेलकम टू माय चैनल इन व्लॉग नुपुर। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी हम खड़े हैं खन्नौत पुल, यानी सॉरी लाल पुल के पास, और जिसके भी आप देख पा रहे हो मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है खन्नौत पुल का, जिसका पुल नंबर जो है वो 970 है। और अभी आप देख रहे हो ये पूरा रेलवे ट्रैक है, और ये साइड देख रहे हो ये लखनऊ साइड है, और इस साइड को जो है ये शाहजहाँपुर सिटी साइड है, मतलब रेलवे स्टेशन की ओर ये ट्रैक जाता है पूरा। और अभी आपको हम यहाँ का व्लॉग आपको पहले भी दे चुके हैं, और अब आपको फिर से दोबारा से ये व्लॉग दे रहे हैं, और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को व्लॉग में। आप व्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी आपको बता दें कि याला आप साइड देख रहे हो याली पुल की, तो यहाँ पे ये नई रेलिंग बनाई गई है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो है जो गैंग मैन या ट्रैक मैन काम करते हैं, तो जब ट्रेन आती है तो वो लोग इस साइड को भी आ जाएँ, तभी यहाँ पे, पहले यहाँ पे नहीं थी ये, अभी जल्दी ही बनाई गई, पहले सिर्फ उस साइड के ट्रैक पर थी जो कि आप देख पा रहे हो। और दोस्तों, आप लोगों को एक और चीज़ बता दें कि अब से लगभग 10-12 साल पहले यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई थी, जिसमें कुछ श्रमिक लोग जो थे जिनको शाहजहाँपुर उतरना था ट्रेन से, लेकिन उनकी वो गलत ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन का स्टॉपेज शाहजहाँपुर था नहीं, तो उन्होंने चैन पुलिंग करके जो है ट्रेन को वहाँ आगे रोक लिया था, और वो लोग आगे ही कहीं उतर गए थे, तो लेकिन तो वो लोग इसी ट्रैक पे वापस आ रहे थे, और उस टाइम ठंड का वक्त था, कोहरा काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए उनको कोहरे में ट्रेन दिखाई नहीं दी, और ट्रेन इसी ट्रैक से आ रही थी, और वो काफ़ी बड़ी घटना हो गई थी जिनमें उस श्रमिक के लोग और उनके जो परिवार था, कुछ शायद बच्चे भी थे, तो उनके वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और ये घटना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, जो शाहजहाँपुर से हैं वो लोग जानते होंगे। तो भाई यहाँ पे तभी यहाँ पे जो है ये नया इस एरिया का जो है बनाया गया है, ये नया ट्रैक बनाया गया है, इसको जो भी बोल सकते हैं, चलने का पाथ बनाया गया है। तभी यहाँ पे देखिए, जो गैंगमैन ट्रैकमैन काम करते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा हो गई है कि वो लोग यहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं जब कोई ट्रेन आती है। तो ये थी एक घटना जो हुई थी। और तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं ये बीच वाले प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये पतला सा रास्ता पार करते हुए हम यहाँ बीच वाले प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और ये जो है ये इसका भी जल्दी नया निर्माण हुआ है, और पहले यहाँ पे इनका पहले सिर्फ ये खाली सिंगल पटरी थी, और इसके भी अधिक पार यहाँ पे बहुत तेज चल रही है, और मेरे साथ कार्तिक है, कार्तिक को ज़्यादा डर रहे हैं जिन्होंने पुलिस को पकड़ के खड़े हो गए, और आपको जैसे कि दिख रहा होगा हम आप लोग फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं आप व्लॉग शूट करते, तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है, लाइक तो कर दिया करो व्लॉग को। और ये पूरी खन्नौत नदी जैसे कि आप देख पा रहे हो, और वहाँ पर आप देख रहे हो वो उधर मोक्ष धाम है, जहाँ पर हमने आपको भी व्लॉग दिया था, वो नहीं बोलेंगे, वो मोक्ष धाम है, और उस साइड को जो है वो मऊ वाली रोड पड़ती है। और आपको बता दें, ये जो आप एरिया देख रहे हो पूरा, ये लोधीपुर एरिया लगता है, लोधीपुर का। तो फ्रेंड्स, अभी आपको हम यहाँ लाल पुल का दिखा रहे हो, यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है, और जैसे कि देख पा रहे हो आप। तो फ्रेंड्स, ये अभी हम ट्रैक पे, इसी ट्रैक पे ट्रेन आने जा रही है, और यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, वो आप कैमरे में फील नहीं हो रहा है, लेकिन लिटरली बहुत तेज़ हवा चल रही है। कार्तिक जो है इसको पकड़ के इतना खड़े हैं, मतलब और ये देखिए फ्रेंड्स, जो गैंग मैन ट्रैक पे काम कर रहे थे वो भी अब साइड में होने लगे हैं, क्योंकि ट्रेन आने वाली है। ये तो है, हाँ।
अभी हम लोग उस वाले पुल से अभी इस वाले पुल पे जा रहे हैं। तो ये देखो गाइस, ये है रास्ता। कितनी मेहनत करनी, तुम भी हाथ लाओ यार। आओ तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वाले ट्रैक पे आ चुके हैं, वाले ट्रैक से इस वाले ट्रैक पे आ चुके हैं सब खाई वाई पार करने के बाद। और ये पूरा लोधीपुर एरिया है, और जैसे देख कार्तिक आगे भाग रहा है। चलो भाई फ्रेंड्स, कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार। हमने अपने ब्लॉग का इंट्रो जो है ट्रैक के उस वाले साइड से किया था, और अब हम दूसरी साइड आ चुके हैं। और ये साइड आप देख रहे हो, ये लखनऊ साइड पड़ता है, और यहाँ पर ट्रैक का आपको दिखा दे, वहाँ आगे कर्व भी दिख रहा होगा, वो ट्रैक का कर्व बना हुआ है। लाए लोग जो अपनी बकरियाँ वगैरह चरा रही है, और यहाँ पे खरनाथ नदी का, यहाँ खरनाथ पुल का एक और बोर्ड लगा हुआ है इस साइड का। चलिए हम चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम चलिए पार करते हैं ट्रैक को, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। अरे तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं पुराने वाले साइड, वो नया साइड है, ये पुराना साइड है। कार्तिक वो खड़ा, वो जूम करके दिखा रहे आपको, हाय कर रहा। फ्रेंड्स, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, जो ये पुराना वाला पाथ है इसमें देखो बीच में ये सीमेंटेड ये डाले गए हैं, पर वहाँ पर जो है वो पूरा उसका वैसा था, टीन का था। वहाँ पर उसका प्लेटफॉर्म ये भी टीन का था, और यहाँ पे देखो ये सीमेंटेड है। इसमें चलने पे थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है, क्योंकि और इसमें ना ही कोई आवाज़ हो रही है इस पाथ पर चलने पर, वहाँ पर बहुत आवाज़ हो रही थी। आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे देखिए दादी अम्मा अपनी गाय चला रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप जो नीचे का एरिया देख रहे हो, जब हमने पहले यहाँ का ब्लॉग बनाया तो हमने नीचे से पूरा शूट किया था, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ब्लॉग। तो यार ब्लॉग ज़रूर से विजिट करना, इस पर भी हमने आपको पूरा दिखाया है। तो चलिए अब हम जाते हैं ऊपर फिर से वापस से। तो फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ बता दें कि हमने यहाँ का जो व्लॉग शूट किया है वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ किया, और हम अकेले नहीं आए, मेरे साथ मेरे पापा और कार्तिक भी है। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो मेरे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कभी भी अकेले मत आइए, और बस हम तो शूट करने के लिए आए थे इसलिए आपको दिखाना था। और बाकी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा रिस्क के काम मत करिएगा आप लोग भी। हम तो यहाँ पे अपने पापा के साथ आए थे और पूरा प्रिकॉशंस के साथ आए थे, इसलिए बस यही कहना था आप लोगों से। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग ऐसा अकेले कभी हम आइए ही मत भाई, ऐसी जगहों पे तो मत आइएगा, ये सेफ नहीं है जगह। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये लाल पुल का व्लॉग जो हमने आपको फिर से दिया? और जैसे कि आपको हमने आप ये वाला प्लेटफॉर्म दिखाया, पहले हम जब आए थे तो उस साइड को गए थे, जो कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यार ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ बताते हैं, ब्लॉग बनाने में लिटरली बहुत मेहनत लगती है, मतलब इतने रिस्क लेके आने पड़ता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक उम्मीद है कि बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर से कीजिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा, और एक कमेंट जरूर से कीजिएगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर मेरा रिजोल्यूशन चल रहा है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें, और कार्तिक की आईडी भी जरूर से फॉलो करें। और चलिए अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।